हेलो, मेरा नाम ध्रुविल पंचाल है। बेसिकली मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किया है, डिप्लोमा बी। इंटरेस्ट था बचपन से आर्ट में, लेकिन समाव जो बोलते हैं ना, टेंथ के बाद जो एक फ्लो जा रहा था डिप्लोमा इंजीनियरिंग का ट्रेंड था उस टाइम पे, तो वो फ्लो में मैंने भी इंजीनियरिंग किया। उसके बाद जॉब भी किया इंजीनियरिंग में 2 साल, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए वो सेटिस्फेक्शन वो जॉब में नहीं मिल रहा था, और संभव ऐसा लग रहा था कि वो मुझे मुझे और मेरी पैशन को है ना दबा रहा है। तो मैंने जा रहा था डेपो में, मैंने हरीना एनिमेशन का पोस्टर देखा, तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पर जाऊँ, कुछ वहाँ पर क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर आया, काउंसिलर से मिला, तो उन्होंने मुझे पूरा एनिमेशन, पूरा आर्ट, जो वीएफएक्स इंडस्ट्री अब क्या है, पूरा टॉप टू बॉटम पूरा ब्रीफ किया। तो मुझे इंटरेस्ट लगा, ऐसा लगा कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। पहले ऐसा लगा कि मैं पापा को क्या बोलूँ, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि मुझे सेट होना था घर से, वो भी एक प्रेशर था कि हाँ अभी तेरी उम्र शादी लायक हो गई है, तो वो एक प्रेशर था। तो मैंने यहाँ से डरते डरते गया, पापा को ब्रोशर दिखाया कि पापा मुझे फील्ड स्विच करना है। तो पापा ने, मुझे लगा कि पापा ना बोलेंगे, लेकिन उन्होंने हाँ बोल दिया कि हाँ तुझे जो भी करना है लाइफ में कर। तो उस टाइम पे मैं जॉब और क्लास दोनों साथ में करता था। फिर ऐसा हुआ कि जॉब नहीं हो पा रहा था यानी मैनेज, तो मैंने जॉब छोड़ दिया और फ्रीलैंसिंग और कमीशन वर्क स्टार्ट किया, और साथ साथ में क्लासेस भी रेगुलर आता था। तो उसके बाद अचीवमेंट की बात करूँ तो एक कंपटीशन था बैटमैन, जूनियर बैटमैन करके, कि अगर बैटमैन बच्चा होता तो क्या होता है। तो उसमें मैंने एक डिजिटल पेंटिंग आर्ट वर्क बनाया था, तो उसमें नेशनल लेवल पर फर्स्ट प्राइज मिला। फिर अभी जो था वो वर्ल्ड आर्ट डे के लिए था, तो उसमें जो मैंने बनाया था तो वो था यीशु का बर्थ, तो वो एक, वो भी एक डिजिटल पेंटिंग था, तो उसमें भी नेशनल लेवल पर मुझे सेकंड प्राइज मिला। अभी करंटली मैं जहाँ पर वर्क कर रहा हूँ वो साइटेक टेक्नोलॉजी है। सुनने में कुछ अजीब है कि वो किया एनिमेशन और पूरा टेक्नोलॉजी में जा रहा है, तो वहाँ पर भी ऐसा है कि वो VR 360 वीडियो में काम करते हैं, 3D आर्टिस्ट की ज़रूरत है, मोबाइल और वेब डेवलपमेंट बेस्ड कंपनी है। तो वहाँ पर जो बेसिकली मेरा काम है वो ग्राफिक्स से लेकर पूरा 3D वर्क तक और प्रोडक्शन वो पूरा देखना रहता है वहाँ पर। और फ्यूचर का प्लानिंग ये है कि जो मैंने स्टडी किया है तो मैं एजुकेशन सेक्टर में उसको कैसे यूज़ करे VR का, और मेडिकल इंडस्ट्री में मुझे और मेरी कंपनी को कुछ करना है यानी, तो वो हमारा फ्यूचर प्लानिंग है। अरीना एनिमेशन में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि काउंसिलिंग से लेके जो टीचिंग है कि हर्ष सर है, भावेश सर है, सिद्धार्थ सर है, आशीष सर, सब लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि मेरा आर्ट यहाँ पर था तो उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया कि बोले तो मैं अभी ऐसा बोल सकता हूँ कि हाँ मैंने आर्ट इंडस्ट्री में थोड़ा कुछ अचीव किया है यानी। तो ये सब जो अचीव मुझे हुआ तो बिकॉज ऑफ अरीना एनिमेशन। तो मैं अरीना एनिमेशन मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि मैं अरीना एनिमेशन और पूरे स्टाफ का बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ दिल से कि उन्होंने मुझे वो लेवल तक पहुँचाया कि जहाँ मेरा ड्रीम था कि मैं वहाँ पर जाऊँ। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू अरीना एनिमेशन सयाजीगंज, थैंक यू सो मच।